यस्तु इन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तस्य विशिष्यते कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तस्य विशिष्यते असक्तस्य विशिष्यते। दुनिया का हर इंसान भविष्य के अंधेरे में अपने कर्म के मानिंद जीता है, क्योंकि किस पल उसका भाग्य बदलेगा कोई नहीं जानता। हमारे कर्म प्रधान समाज में कर्मठ व्यक्ति ही नई और अनोखी दास्तान लिखते हैं, जो युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। सुशील कुमार शिंदे 4 सितंबर 1941 को महाराष्ट्र सूबे के मराठवाड़ा इलाके के सोलापुर शहर की ढोर गली में रहने वाले एक साधारण परिवार में जन्मे। माँ ने प्यार से उनका नाम दगड़ू रखा। अभी बालक दगड़ू ने 6 सावन ही देखे थे कि पिता का साया सिर से उठ गया। तब वक्त ने अपनी शतरंजी चाल से पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया। गरीबी मुंह बाए खड़ी थी और समाज ने भी मुंह मोड़ लिया था। बाल मन और स्वादिष्ट मिष्ठान हर बालक का मन मोह लेता है, परंतु यदि जेब में पैसा ही ना हो तो दुकान की तरफ जाना ही कैसा। मगर दगड़ू अपने मन को समझा नहीं पाता और मंडराने लगता मिठाई की दुकान के आसपास। पिताजी के जीवन काल में घर में अमीरी थी। काफी लाड़ प्यार में पले बढ़े दगड़ू को पिताजी के गुजर जाने के बाद सभी आदतें एकदम बंद करने की उनकी उम्र नहीं थी। एक रोज फेरी वाली बाई के टोकरे से सामान चोरी करते पकड़े गए। माँ को पता चला तो माँ ने जम कर पिटाई की और ईश्वर के सामने शपथ दिलवाई कि जीवन में कभी चोरी नहीं करेगा। बस वो दिन था और आज का दिन माँ को दिया वचन वो बखूबी निभा रहे हैं। आर्थिक विसंगतियों से जूझ रहे परिवार के मुखिया माँ ने बेर और गन्ने बेचकर 2 जून की रोटी का इंतजाम किया। उसका दगड़ू कहीं वक्त की रफ्तार में पीछे ना रह जाए, ये चिंता माँ को सताती रहती थी। पिताजी के गुजर जाने के बाद दगड़ू को डांटने वाला कोई नहीं था। आवारा बच्चों के साथ साथ उनका समय बीतने लगा था। चोरी पकड़े जाने के बाद दगड़ू सही रास्ते पर चलने लगा। स्वयं ही आइस फ्रूट लेमन गोली बेचना शुरू कर दिया और कमाई का पैसा माँ को देने लगा। उसमें से कुछ खर्च करने के लिए माँ से मांग कर लेने लगा। 10 रुपए माहवार पाने वाले शिंदे 5 किलोमीटर पैदल चलकर आते तो रास्ते में रात्रि पाठशाला को देखकर वो अक्सर सोचा करते कि क्या उनके नसीब में भी शिक्षा दीक्षा है कि नहीं। एक दिन मन में विश्वास और साहस लिए वो पहुंच गए हेडमास्टर के पास। बच्चे की लगन और साहस देखकर हेडमास्टर ने पढ़ने की अनुमति दे दी। देर से ही सही, परंतु माँ सरस्वती का सानिध्य शिंदे को मिल ही गया। आर्थिक विसंगतियों से जूझते शिंदे ने लालटेन और लैंप पोस्ट के नीचे बैठकर अपनी पढ़ाई की। अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए शिंदे ने वाडिया अस्पताल में कंपाउंडर की नौकरी की और पार्ट टाइम लेडीज क्लब में ऑफिस बॉय का काम करते करते 10वीं कक्षा तक का सफर पूरा किया। वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता, न ही दगड़ू के लिए ठहरा। किशोरावस्था तक पहुंचते पहुंचते गरीबी की तंगी ने उसे शोलापुर के कोर्ट तक पहुंचा दिया, पट्टे वाला चपरासी बना दिया। कॉलेज में पढ़ने वाला शिंदे न्यायालय में पट्टे वाले की नौकरी करता है, ये कॉलेज में कोई नहीं जानता था। एक दिन तत्कालीन मशहूर केस की कार्यवाही देखने के लिए अन्य लोगों के साथ उनके कॉलेज की लड़कियां भी वहां पहुंची, जिसमें वो लड़की भी मौजूद थी जिसे वो मन ही मन चाहते थे। पट्टे वाले शिंदे ने उन्हें देखा मगर बिना विचलित हुए अपने कर्तव्य को अंजाम दिया। ये ऐसा पल था जब शिंदे का मन हिलौरे खा रहा था। एक ओर मान सम्मान था तो दूसरी ओर कर्तव्य। अगर उस रोज कर्तव्य कमजोर पड़ जाता
तो शायद एक आम आदमी की तरह भीड़ में कहीं खो जाता सुशील कुमार शिंदे। अपनी इसी जिंदगी में वो खुशियां तलाशने लगा, पर शायद वो अपने लिए न सही मगर दूसरों को खुशियां बांटने का काम करने लगा। अपने अभिनय के माध्यम से जब 1961 में शिंदे ने कॉलेज में नाट्य मंच पर कदम रखा और कई ड्रामों में नाम कमाया, जैसे मुंबई ची मानस, घरा बाहेर, करायला गेलो एक, बेबंद शाही, बेगल हालच्या मला, मिंचू मावशी। कॉलेज में प्रेमा तुझा रंग कसा इस ड्रामे में बंचू की भूमिका हीरो के रोल से प्रसिद्ध था। एक बहुत बड़ी खुशी का पल आया जीवन में जब 3 सालों से 10वीं में फेल हो रहे दगलू का 4th साल में अथक प्रयासों और मां की आंचल से मिली प्रेरणा ने 10वीं के रिजल्ट में उसका नाम छपा। वक्त करवट बदल रहा था और 1965 में दगड़ू ने स्नातक की उपाधि लेकर मां के सपनों को सार्थक किया। 6 दिसंबर 1965 वो गरीब दगड़ू अब सुशील कुमार शिंदे के नाम से जाना जाने लगा। दगड़ू से सुशील कुमार के नामकरण का भी एक रोचक इतिहास है। ये उस समय की बात है जब वो लगनाची बोड़ी नामक ड्रामा में डॉक्टर कांचन की भूमिका कर रहे थे। उस समय प्रहलाद केशव आत्रे की कलम से लिखा गया था सुशील कुमार, और तब से आज तक वो इसी नाम से जाने जाते हैं। उस वक्त माँ की आंखें खुली और मारे खुशी की आंखें छलक पड़ी जब उन्हें पता चला कि उनका पुत्र मुंबई CID में सब इंस्पेक्टर बन गया है, पर मुकाम हासिल नहीं हुआ था, चाहतें अभी भी बाकी थीं। तो शिंदे ने 1969 में LLB पास करके कानून में उपाधि हासिल की। ये एक संयोग ही था कि अपनी ही जाति की जिस लड़की से शिंदे की मंगनी हुई वो महामारी का शिकार हो गई। तब शिंदे का मन वैवाहिक सुख की कल्पना छोड़ चुका था, परंतु विधाता ने एक नया संयोग रचा। मुंबई के दादर में ब्राह्मण परिवार की उज्ज्वला वैद्य के प्रेम पाश में बंधे शिंदे। शिंदे जी की उज्ज्वला की बहाई सुधीर वैद्य के साथ मित्रता थी, इसलिए यहाँ उनका आना जाना था। उसी दौरान उज्ज्वला से परिचय हुआ और प्यार भी हुआ। वो कभी भी अपने दिल की बात उनसे नहीं कह पाए। अचानक एक रोज बस में सफर करते वक्त उज्ज्वला वैद्य से मुलाकात हुई। विरह वेदना और अकेलेपन की दास्तान खत्म करते ही शिंदे ने उज्ज्वला के सामने विवाह प्रस्ताव रखा। विवाह का दिन तय हो गया, 1 मई यानी महाराष्ट्र दिवस। फूले शाहू अंबेडकर के विचारों पर चलने वाले शिंदे जी ने इन महापुरुषों के विचारों का आचरण करते हुए केवल 70 रुपए विवाह पर खर्च किए। अंतरजाति विवाह की यह अनूठी मिसाल आज भी कायम है। नियति अपने रंग बदलने में लगी हुई थी। प्रिय राजनीतिक मित्र लेले शरद पवार और बाद में पत्नी से पूछ के 6 नवंबर 1971 को शिंदे ने सरकारी नौकरी छोड़ दी। वजह साफ थी, शिंदे अपनी किस्मत राजनीति में आजमाना चाहते थे, परंतु हुआ कुछ उल्टा ही। राजनीति की शतरंजी बिसात पर अभी पहली ही चाल चली थी कि बाजी हाथ से निकल गई। टिकट मिला और कट गया, फिर भी उनके हौसले बुलंद थे। वक्त ने गिरगिट की तरह रंग बदला, पर नहीं बदला वो मां का आंचल। हमेशा की तरह ममता की छांव, प्रेरणा का संबल और मार्गदर्शक के रूप में मां का साया हमेशा सुशील कुमार शिंदे का हौसला बढ़ाता रहा। लेकिन अंतरजातीय विवाह, एक बच्चा, नौकरी चली गई और शिंदे जी डगमगाए नहीं, ना ही किसी के सामने मदद के लिए हाथ फैलाए। वकालत डिग्री तो हासिल की ही हुई थी। दादर में नाची केलकर रोड पर पत्रिका की छत बनाकर वकालत शुरू की। शिंदे जी का टिकट कट गया था, वहां के विधायक का निधन हो गया, उसी जगह शिंदे जी को टिकट मिला। करमाला विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव, जहां से सुशील कुमार शिंदे ने पहली बार अपना राजनीतिक जीवन दांव पर लगाया और 23 अप्रैल 1974 को विजय श्री को वरण किया और पहन लिया राजनीति का जामा। महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाइक ने 34 वर्षीय युवा विधायक शिंदे की काबिलियत को
राज्य मंत्री, यूथ अफेयर, ट्रांसपोर्ट मंत्री का जामा पहनाकर जो संकेत दिया, वो आज भी ध्रुव तारे की भांति राजनीति के क्षितिज पर अटल होकर चमक रहा है। 4 जनवरी 1978 की सर्द सुबह ने उनकी मां कृष्णाबाई पंच तत्वों में विलीन हो गई। मां का साया उनके सर से चला गया। सामाजिक दकियानूसी विचारधाराओं को दरकिनार करके मां कृष्णाबाई ने कभी भी शिंदे को सौतेली मां होने का एहसास तक नहीं होने दिया। वक्त का पहिया अपनी रफ्तार से चलता रहा। मुख्यमंत्री बनने के अनेक अवसर आए और चले गए। बुरा वक्त कभी भी बताकर नहीं आता। 11 जुलाई 1985 को जननी शुकुबाई ने भी साथ छोड़ दिया। जीवन की नैया हिचकोले खाती रही, लेकिन ये कर्मयोगी अपने पथ पर चलता रहा। सुशील कुमार शिंदे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 2 अध्यक्ष बने। पहली बार अप्रैल 1990 से जनवरी 91 तक और दूसरी बार जनवरी 1996 से जून 1997 तक। अतीत जहां संघर्षों से निखरता है, वहां यह अनुकरणीय और प्रेरणादायी होता है। सुशील कुमार शिंदे एक व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व है। जिंदगी के खूबसूरत सरपीला कार राहों से गुजरने के आदि हो चुके शिंदे साहब की मुस्कान के कायल तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी, उसी का नतीजा था महाराष्ट्र में सन 1987 का जीरो बेस्ड बजट। महाराष्ट्र सूबे में 9 बजट पेश करने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। शायद इसके बावजूद मंजिल अभी दूर थी। महाराष्ट्र प्रांत में अपनी अलग पहचान बना चुके शिंदे ने राजनीति में रहते हुए कभी भी कुटिल चाले नहीं चली। शायद यही कारण था कि श्वेत धवल राजनीतिज्ञ को सन 1992 में राज्यसभा में विस्थापित कर दिया गया। पक्ष और विपक्ष के सभी राजनीतिज्ञों को साथ लेकर चलने की इच्छा शक्ति ने शिंदे को भारतीय राजनीति में एक नई पहचान दी, जो आज भी कायम है। सन 1998 में शोलापुर लोकसभा की जनरल सीट जीतकर शिंदे ने अपना परचम लहराया और सन 1999 में इसे पुनः बखूबी दोहराया। श्रीमती सोनिया गांधी के कहने पर आपको 2002 में उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकित किया गया, पर यह दस्तक मात्र थी। 18 जनवरी 2003 की सुहानी सुबह ने महाराष्ट्र राज्य को वो मुख्यमंत्री दिया जिसकी दरकार 2 से थी। आखिरकार सुशील कुमार शिंदे को मिल ही गया मुख्यमंत्री का ताज। और इंदिरा गांधी का वो सपना भी साकार हुआ जब उन्होंने महाराष्ट्र को दलित मुख्यमंत्री देने का सपना देखा था। अभी शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र की जनता ने 18 महीने ही व्यतीत किए थे कि सन 2004 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की संयुक्त सरकार का गठन हुआ। आपके मुख्यमंत्रित्व काल में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार का गठन किया। फिर समय ने ऐसी करवट बदली कि मुख्यमंत्री की दौड़ से बाहर हो चुके शिंदे को 2004 में आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया। मैं सुशील कुमार संभाजीराव शिंदे सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। आंध्र प्रदेश के सभी जनपदों का दौरा करने वाले माननीय ने प्रोटोकॉल को दरकिनार करके राजभवन के दरवाजे हर आमो खास के लिए हमेशा खुले रखे। भाग्य कितने रंग बदलता है, इसकी दास्तान शिंदे से ज्यादा कौन जानता है। साल 2006 में पहली बार केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का उन्हें पद दिया गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि 2009 के शोलापुर लोकसभा सीट पर तकरीबन 99,632 मतों से विजयी होकर सुशील कुमार शिंदे ने यह साबित कर दिया कि पाक साफ दामन राजनीतिज्ञ की जगह आज भी
लोगों के दिलों में है। जीवन में अटल गहराइयों से चलकर यश, कीर्ति, सम्मान, स्वच्छ राजनीतिक छवि का शिखर चूमने वाले सुशील कुमार शिंदे को कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने पुनः ऊर्जा मंत्री के पद से नवाजा तथा देश को संदेश देने की कोशिश की कि चिराग तले अंधेरा हमेशा नहीं होता। एक समय भीमराव अंबेडकर ने कुछ समय ऊर्जा विभाग संभाला था। उस समय उन्होंने कहा था कि भारत में सैकड़ों नदियां हैं और इनसे ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। इतना ही नहीं, हमें सौर ऊर्जा के भी सार्थक उपाय करने होंगे। वही लक्ष्य शिंदे जी ने इस 7 साल में कर दिखाया, इसे नकारा नहीं जा सकता। आपके कार्यकाल में अब तक BPL के कई परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन भारत निर्माण योजना के तहत दिया गया। आपने अपने राजनीतिक जीवन में 16 बार महाराष्ट्र सूबे में मंत्री और अभी तक 2 बार केंद्रीय मंत्री पद पर सुशोभित शिंदे का राजनीतिक सफर जारी है। कांग्रेस पार्टी के प्रति शिंदे का समर्पण, उनकी निष्ठा सदैव पारदर्शी रही। यही कारण है कि आज सुशील कुमार शिंदे बुलंदियों पर हैं। कुशल राजनीतिज्ञ, कुशल प्रशासक, आज्ञाकारी पुत्र, कर्मठ अधिकारी, देशभक्त शिंदे ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी अपनी धाक जमाई। कोल्ड वॉर का गलत मतलब समझने और समझाने वाले शिंदे ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी पहली स्पीच अंग्रेजी में ही दी थी। Mr. President and Your Excellencies, India has historically enjoyed close cultural, social, intellectual and linguistic links with the countries in Southeast Asia and has always sought to maintain friendly and cordial relation with them. अंतर्राष्ट्रीय मंच से अपने देश की आवाज सारी दुनिया तक पहुंचाने वाले शिंदे हमेशा जमीन से जुड़े रहे और देश की जनता की समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने को तत्पर शिंदे पेड़ के नीचे बैठकर एक साधारण मानव की तरह मोटी मोटी रोटी खाने से भी परहेज नहीं करते हैं। तो दूसरी ओर अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ रात्रि भोज में सम्मिलित होकर अतिथि देवो भवा का अर्थ चरितार्थ करते नजर आते हैं शिंदे। दल बदलू छवि से दूर सुशील कुमार शिंदे कांग्रेस और गांधी परिवार के प्रति प्रारंभ से ही निष्ठावान रहे हैं और सदा रहेंगे। चाहे मुंबई हो या दिल्ली या फिर ऊर्जा मंत्री के रूप में कार्यालय में बैठने को लेकर उठाए संतों महंतों के प्रश्न हो, आपने अपनी सोच के अनुरूप ही अपना कदम उठाया। साहित्य में रुचि रखने वाले शिंदे अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन, मराठी नाट्य सम्मेलन और उर्दू साहित्य सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष पर बरसों आसीन रहे। आपने अपने व्यस्त राजनीतिक सफर में से समय निकालकर अनेक पुस्तकें भी लिखी, जिनमें से कहानी विदेश यात्राओं की और विचार मंथन काफी चर्चित रहे। आपको देश के 3 विश्वविद्यालयों ने PhD की मानद उपाधि से नवाजा और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बनने के बाद आम नागरिकों के मनोभाव समझने के लिए तेलुगु भाषा तक सीखी। रक्त विरक्त नहीं होता और आस्था जाति धर्म नहीं पहचानती, इसका उदाहरण इस मंच से इतर हो ही नहीं सकता। किसी भी व्यक्तित्व को कम शब्दों में समेट पाना सरल नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहते हुए सुशील कुमार शिंदे ने अपनी पहचान अजात शत्रु सरीखी बनाई। सन 2003 में विदर्भ क्षेत्र में सूखे की मार झेल रहे किसानों को कृत्रिम वर्षा से राहत दिलाने वाले आप पहले मुख्यमंत्री बने। महाराष्ट्र सूबे में मुख्यमंत्री पद की गरिमा को बनाए रखते हुए 60 वर्षों से उपेक्षित रही 26 जातियों को आरक्षण देकर उनका उद्धार ही नहीं किया बल्कि एक मानवता का उदाहरण कायम किया, तो ऐसे मुख्यमंत्री को आखिर कौन भूल सकता है। मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया के परिसर में हुए बम धमाके के बाद उसी स्थान पर खड़े होकर असामाजिक तत्वों के खिलाफ संदेश का साहस दिखाने वाले शिंदे ने सभी के दिलों में आत्मविश्वास का संचार किया। जो गुनेगार है उनको मैं ठीक तरह से उनका रास्ता बताऊंगा।
अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सोलापुर के करीब 2000 वर्ष पुराने इतिहास की गरिमा को बनाए रखते हुए उसे आधुनिक काल की सभी सुविधाओं से सराबोर कर दिया है। मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट, पेयजल योजना, आधुनिक अस्पताल, अंतरिम रोड, अलकोट में धार्मिक आस्था के स्थान पर अनेक जन सुविधाएं मुहैया करवाई। महाराष्ट्र के सोलापुर और नागपुर शहर में एनटीपीसी को शुरू करवाने में आपकी अहम भूमिका है। शायद भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि फेल विद्यार्थी का एक सम्मेलन शिरडी में आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि थे सुशील कुमार शिंदे। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में दूसरी बार भी आपको ऊर्जा मंत्रालय का दायित्व दिया गया, क्योंकि शायद शिंदे को ऊर्जा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर जो बनाना था। स्वच्छ छवि का मेहनताना शिंदे को उस समय मिला जब लोकसभा में तत्कालीन वित्त मंत्री और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आपकी प्रशंसा में कसीदे पढ़े। I congratulate my colleague, power minister, because more than often I used to criticize him that your projects are going slow and he has correctly responded. और लाल किले की प्राचीर से भी प्रधानमंत्री ने ऊर्जा मंत्री शिंदे की सफलता का संदेश सारे देश को दिया। मिसाल के तौर पर 11वीं योजना में बिजली उत्पादन में जो क्षमता बढ़ जुड़ेगी वो 10वीं योजना की तुलना में दुगनी है। हम 12वीं योजना में बुनियादी ढांचे में निवेश को और तेज करेंगे। भारत सरकार की ओर से देश विदेश के लिए जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में सुशील कुमार शिंदे हमेशा सम्मिलित रहे, फिर चाहे वो सत्ता में रहे हों या विपक्ष में। समय समय पर संसदीय क्षेत्रों की पुनः संरचना पर आपने लोकसभा में सक्रिय भूमिका अदा की। डीलिमिटेशन का बिल आ जाए, भारतवर्ष की जनसंख्या हर साल बढ़ती रही और उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की भी जनसंख्या काफ़ी बढ़ती रही। मुझे याद है कि 1990 में एक बिल आ गया था और वो बिल था कि जो नवबौद्ध हो गए थे उनको शेड्यूल कास्ट की पूर्ण सुविधा देने के लिए राज्यसभा में बिल आ गया था, फिर उसके बाद सभा में वो बिल पास हो गया। ये सदन सबका सदन है और इसी के लिए मैं अभी भी कहूँगा कि हम इस तरह का संदेश दे दें इस देश में कि हम सब चाहते हैं कि शांति से इस देश में सभी धर्म के जाति के लोग रह जाए और भारत का नाम विश्व में ऊंचा कर सके, यही प्रार्थना हम करते हैं। संसद के प्रतिष्ठित सम्मान सिटीजन अवार्ड से भी आपको नवाजा गया। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे ऊर्जा मंत्री सुशील कुमार शिंदे के जीवन में एक और बदलाव उस समय आया जब उनकी जरूरत देश के महत्वपूर्ण मंत्रालय को थी। आज सुशील कुमार शिंदे केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में देश को नई दिशा देने के लिए तत्पर हैं। आप महाराष्ट्र के पहले सांसद हैं जिन्हें लीडर ऑफ द हाउस बनने का अवसर मिला। सबसे छोटी बेटी प्रणीति महाराष्ट्र विधानसभा में विधायक के रूप में अपने पिता के आदर्शों को नए मायने देने में संलग्न है। जन्मदिन मनाने की परंपरा को अमीरों का चोंचला मानने वाले शिंदे अपने जन्मदिन पर कभी भी घर नहीं रहते, मगर संयोग से वर्ष 2011 में 4 सितंबर को गणेश स्थापना का पर्व था, सो पारिवारिक संस्कारों को निभाने की खातिर सोलापुर के घर पर रहना उनकी मजबूरी थी। उसी दिन कभी उनको 10 रुपए की नौकरी देने वाले सोनूबाई आवटे परिवार की लड़कियां, जिनको शिंदे जी संभालने का काम करते थे, उन्हें ये बिना बताए उन्होंने आपके सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया है। उस आयोजन में शरीक होकर तुरंत राष्ट्र सेवा के लिए दिल्ली रवाना हो गए। विडंबनाओं के पैर नहीं होते और मुसीबतें कहकर नहीं आती, संवेदनाओं का कोई साक्षी नहीं होता और आंसुओं को कोई पोंछने नहीं आता, लेकिन जब इंसान अपनी इच्छा शक्ति को बलवान बना लेता है तो सांसारिक वस्तुएं उसके सामने बौनी हो जाती हैं और व्यक्तित्व हो जाता है प्रदीप्त। ऐसे ही प्रदीप्त व्यक्तित्व के स्वामी सुशील कुमार शिंदे ने जो उदाहरण सारी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है वो न केवल अद्वितीय है बल्कि अनुकरणीय भी है। गांधी जी का हमारे रोम रोम में
संदेश है। सत्ता हमारे लिए थोड़े दिन की प्यारी होती है, लेकिन जीवन भर के लिए सेवा का कर्म हमारा धर्म होता है, यही हमारी निशा होती है। इस संसार में जिस भी मानव ने सफलता का शिखर चूमा है, उनमें कुछ विशेष गुण देखे गए हैं। ये लोग ईमानदार, नैतिक मूल्यों, सकारात्मक विचारधारा वाले चरित्रवान होते हैं। संकल्प के धनी और मजबूत इरादों वाले सुशील कुमार शिंदे संयमित, अनुशासित, आत्मविश्वासी, विनम्र, नेक, चुंबकीय आकर्षण, सुंदर, प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व के धनी, अपनी धुन के पक्के तथा स्पष्टवादी, साहित्य, संगीत, कला, गायन वादन में रुचि रखने वाले हैं। महान लेखक शेक्सपियर ने लिखा है कि कुछ व्यक्ति महापुरुष पैदा होते हैं, कुछ प्रयत्न व परिश्रम से महान बनते हैं, परंतु कहने में यह अतिशयोक्ति नहीं है कि सुशील कुमार शिंदे अपने प्रयत्न व अटूट परिश्रम से महान बने हैं। समलोष्ट अश्म कांचनः।